नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश और मेरे दोस्त सोनी जी और बिरजलाल जी और भी बहुत सारे मेरे दोस्त, आज हम 4 दिवसीय हिमाचल के टूर पर हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट और विशेष रूप से यहाँ की प्राकृतिक जो दृश्य हैं बहुत ही मनमोहक है। आगे का आज हम रुके हुए हैं यहाँ पे, इसके बारे में मेरे साथी हैं वो आपको वर्णन से बताएंगे, पर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जीवन में एक बार यदि ऐसा प्राकृतिक दृश्य यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वो अपराध छोड़ करके प्राकृतिक के सानिध्य में प्रकृति की प्रशंसा कर देगा। बहुत ही शानदार नज़ारा है, आप देखिए, ये देखिए पूरा यहाँ बर्फ से लदे हुए पहाड़ जो आपको सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं, और ये एकदम से हरा भरा मैदान जिसको जानते हैं। इधर देखिए घना कोहरा, एकदम से ठंडी हवाएं और एकदम से शांत माहौल, एक शानदार प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा है। कल हम इससे और भी अच्छे प्राकृतिक दृश्य में जाएंगे। अब आज का ये जो विशेष है हमारे साथी सोनी जी से सुनिए, आप बताइए सोनी जी। हाँ दोस्तों, तो योगेश जी सर ने आपको इस दृश्य के बारे में बहुत कुछ तारीफ की है। मैं आपको यहाँ का जो प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पर उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जगह कुछ खास है, यहाँ के लिए लोग यहाँ पर कुछ खास देखने को आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य तो बहुत अच्छा ही, मगर यहाँ पर कुछ खास है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने 2001 के अंदर गदर एक प्रेम कथा मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक सीन दर्शाया गया था कि अमीषा पटेल जो सनी देओल उसको पाकिस्तान से लेके आ रहा था, तो मजबूरी के अंदर उनको एक बार बीच के अंदर रुकना पड़ा था। मजबूरी के अंदर वो ट्रेन से आ रहे थे और पकड़े गए थे, फिर बीच के अंदर उनको स्टे करना पड़ा था। तो बीच के अंदर जो स्टे किया गया था वो ये घर थे, जहाँ पर आपने मूवी आपने सभी की देखी हुई है, वो ये घर थे जिसके अंदर अमीषा पटेल रुकी हुई थी। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जिसने उसको रुकने के लिए हर रात को एक एक गहने लिए थे, वो ये घर रियल में यही घर थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, सब चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। गदर एक प्रेम कथा का वो जो सीन है वो यहाँ पर दर्शाया गया था। बाकी सीन आप चारों तरफ देख सकते हैं। इस जगह का नाम आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो आपको मैं पहले ही बता देना चाहता था, ये जगह है जोत वैली, जो हिमाचल के अंदर एक हाईएस्ट टॉप के ऊपर जगह है। ये फिल्म के अंदर भी इस सीन को इसलिए दर्शाया गया, बहुत ही शानदार दृश्य है ये, तो ये जगह इसलिए फेमस है दोस्तों। तो इस जगह के बारे में बिरजलाल जी आपका क्या कहना है बताइए जरा। मेरा ये विचार है कि सबसे नेचर का सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे ये लगा, और 4 दिन का अपना जो टूर था शानदार, मुझे ये लग रहा है कि सबसे बेस्ट ये, हालांकि बेस्ट हमने बहुत रख रखे ऑप्शन, लेकिन बेस्ट अब तक का टूर था ये। और सबसे हाइट के ऊपर जो अपन डलहौजी से लगभग 20-22 किलोमीटर साइड में है, वेरी गुड, बहुत अच्छा।